हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिल्मी रिएक्शन में। तो कैसे आप सब, उम्मीद आप लोग अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ आप लोगों की दुआ से। तो दोस्तों, आज जिस वीडियो का मैं रिएक्शन लेके आई हूँ वो है एल्विश यादव की जमानत पर बड़ी खुशखबरी। आज क्या मिल जाएगी जमानत? तो ये शुद्ध हैं और ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं, बिल्कुल सच्ची बात ला के देते हैं। मैंने इनका जो सुशांत वाला सीन हुआ था तो मैंने उस टाइम पे इनकी वीडियोस देखी थी, तो मुझे इनकी बात बिल्कुल जेन्युइन लगती थी। तो मैंने सोचा इस पे भी इन्हीं की बात सुन लेते हैं, क्योंकि बिल्कुल जेन्युइन, पूरी सर्च करके, पूरी स्टडी करके ही ये बात करते हैं पूरे हाथ पैर मार के। तो देखते हैं कि जमानत के लिए आज क्या रहा है एल्विश यादव का, इसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम, स्वागत करता हूं आप सभी का शुद्ध मनोरंजन में। इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो आ रही है नोएडा से। जी हां, नोएडा में जो भी चीजें चल रही थी, सूरजपुर जो कोर्ट है वहां पर बेल को लेकर एप्लीकेशन लगानी थी एल्विश यादव को, लेकिन क्योंकि वकीलों की लगातार स्ट्राइक चल रही थी, हड़ताल चल रही थी, जिसके चलते ये पूरा का पूरा मामला जो था ये आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तो अब आपको बता दूं कि जो खबर है वो बड़ी अच्छी है। खबर ये है कि आज नोएडा में वकीलों की हड़ताल जो है वो खत्म हो गई है। अभी अभी जो नोएडा के एडवोकेट हैं उन्हीं से बातचीत करने के बाद ये पता चला कि हड़ताल जो है वो खत्म हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि आज एल्विश यादव की जो बेल की एप्लीकेशन है, याचिका है, वो आज लगाई जा सकती है और आज ही उस पर अर्जेंट हेयरिंग होके जमानत जो है वो मिल सकती है। सो एल्विश यादव के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके फैंस के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर यही है कि भैया हड़ताल खत्म हो गई है। सही बात। इसी हड़ताल के चलते पिछले 3 दिनों से बेल की जो एप्लीकेशन थी वो नहीं लगा पा रहे थे और अब जो है वो बेल की एप्लीकेशन जो है वो लगा सकते हैं। और इस एप्लीकेशन के लगने का मतलब साफ है कि आज फैसला हो जाएगा कि उन्हें बेल मिलनी है या नहीं मिलनी है। बेल नहीं मिलने का मतलब यह है कि उन्हें फिर सीधा सीधा जो है जाना पड़ेगा, रुख करना पड़ेगा हाईकोर्ट की तरफ, यानी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ। और अगर मिल जाती है तो फिर सीधा सा है कि यहीं से काम चल जाएगा। उनके एडवोकेट जो हैं उन्होंने बहुत सारी बातें कल बोली थी, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि उन्होंने क्या क्या कहा है इस पूरे मामले में। वो कितना कॉन्फिडेंस नजर आ रहे थे, किस तरीके से उनको इस पूरे मामले में जो है एल्विश को फंसाया जा रहा है, एल्विश का इसमें कोई रोल है नहीं। देखिए वो क्या कह रहे हैं। कहना चाहूंगा कि एल्विश यादव पे, एल्विश भाई के ऊपर जो नवंबर 2023 के अंदर सौरभ गुप्ता, गौरव गुप्ता, पीपल फॉर एनिमल, दीपांशु कुंद्रा वगैरह ने जो एक वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंदर एफआईआर कराई है, टेक्निकली लीगली वो नल एंड वॉइड है, उसकी कोई वैल्यू नहीं। जी हाँ, ये कह रहे हैं कि नल एंड वॉइड है वो। और ये जो फैक्ट उन्होंने बताए थे ये पहले भी हम जिक्र कर चुके थे, पहले भी हम बता चुके थे कि भाई ये जो पूरे के पूरे उन पर जो धाराएं लगी है या जिस तरीके से उन्होंने केस बनाया है वो नहीं लगती है। और उस एफआईआर के बिना के ऊपर एल्विश यादव जी की गिरफ्तारी भी एक तरीके से इलीगल ही डिटेंशन है। ही क्या इलीगल डिटेंशन है, मैं आपको बताता हूँ कि वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंदर कोई भी व्यक्ति, प्राइवेट आदमी, कोई भी एनजीओ किसी भी प्रकार की एफआईआर दर्ज नहीं करवा सकता थाने में जाके सीधा। जी हाँ, इसके ये जो बात थी इसमें साफ ये था कि अगर आपको इस वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत कोई कार्रवाई करनी है तो आप सरकारी अधिकारी होने चाहिए, यानी कि वन विभाग या उससे अच्छा। जुड़े हुए अधिकारी होने चाहिए। यहाँ पर एक एनजीओ ने ये जो है पूरी की पूरी कार्रवाई जो है वो करवाई है, तो ये वैलिड नहीं है। कोई भी प्राइवेट पार्टी हो या एनजीओ, उसका काम है वन विभाग को सूचना देना, पुलिस को सूचना देना, उसका पुलिस के पास अधिकार है, मिनिमम सब इंस्पेक्टर लेवल का ऑफिसर होना चाहिए जो उसके ऊपर रेड सीजर और अरेस्ट का राइट रखता है, उससे नीचे के लेवल का कोई भी ऑफिसर अगर है तो भी वो एक्शन नहीं ले सकता। और वन विभाग की टीम उसके अंदर इन्वॉल्व होनी चाहिए, वन विभाग की टीम के साथ भी काफी बड़ा प्रोटोकॉल है कि उसको क्या क्या करना है रेड सीजर के समय और पर्सन को डिटेन करने के लिए। और वाइल्ड लाइफ भी इसके अंदर डिटेन कर सकता है, पुलिस भी डिटेन कर सकती है, अरेस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो एफआईआर करी गई है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, वाइल्ड लाइफ एक्ट की सौरभ गुप्ता, गौरव गुप्ता, पीपल फॉर एनिमल द्वारा, वो बिल्कुल ही इलीगल है, उनको बिल्कुल राइट नहीं है। दोस्तों मैं आपको वाइल्ड लाइफ एक्ट पढ़ के बताता हूँ, मेरे पास काफी पेजेस है क्योंकि मैं हवा में कोई बात नहीं करूंगा, लीगल ही बात करूंगा। वाइल्ड लाइफ एक्ट में सेक्शन 50 WLPA 1972, इसके अंदर any police officer not below the rank of sub inspector has the power of entry, search, seizure, arrest, detention for offences under this act. और note है, note में लिखा power of entry, search, arrest and detention.
तो पुलिस ऑफिसर को सर्च करने की, अरेस्ट करने की पावर है, डिटेंशन की पावर है, लेकिन सब इंस्पेक्टर लेवल का होना चाहिए। और उसके बाद काफी पेपर्स हैं, लेकिन मैं आपको कागज पर बताता हूँ। सेक्शन 55 WLPA, कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस शैल ओनली बी टेकन अपॉन कंप्लेंट्स बाय डायरेक्टर वाइल्डलाइफ प्रिजर्वेशन, मेंबर सेक्रेटरी सेंट्रल जू अथॉरिटी, मेंबर सेक्रेटरी टाइगर कन्वर्शन अथॉरिटी, डायरेक्टर ऑफ द कंसर्न्ड टाइगर रिजर्व, वाइल्डलाइफ वार्डन ऑफ एनी ऑफ। ये बहुत बड़ी चीजें जो है इन्होंने कही हैं। ये पहले भी इन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स में जो अपना इंटरव्यू दिया था उस वक्त पर भी कही थी। इस मामले में कई गिरफ्तारियां भी हुई है, लेकिन कल शाम को जो घटनाक्रम घटा है, जो एनटीपीएस की जो धारा थी उसको घटाया गया, हटाया गया, जो भी किया गया है, उसके बाद जो चीजें नजर आ रही है वो ये है कि बेल मिलने में ज्यादा परेशानी अब नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ा जो रोड़ा था राह में बेल के, वो था वहां पर हड़ताल, जो आज खत्म हो गई है। अभी जो चीजें पता चली है, जो हमने पता किया है नोएडा में जो कोर्ट है वहां पर पता किया वहां के लॉयर से, कि वहां पर हड़ताल जो है खत्म हो चुकी है। तो जो भी ये खत्म हो चुकी है तो इसका मतलब आज एप्लीकेशन लग जाएगी, और अगर आज एप्लीकेशन लगेगी तो फिर इस मामले में अर्जेंट आज हेयरिंग होगी बेल पे, और हो सकता है कि आज एल्विश यादव को बेल जो है मिल जाए। एल्विश यादव के जो लॉयर है प्रशांत राठी, उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स में चीजें कही थी कि जो भी उन पर जो एक्ट लगे हैं, जो भी उन पर जो गिरफ्तारी है, वो पूरी की पूरी तरीके से इल्लीगल है, और इस पूरे मामले को हटाया जाए। तो आज थोड़ी देर में हमें पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। हड़ताल खत्म हो गई है, ये खबर मेरे पास नोएडा से आई है। तो जी बिल्कुल, देखो मैंने आपको कहा था कि बिल्कुल पुख्ता सबूत के साथ ही बात करते हैं, ये हवा में बातें नहीं करते हैं। तो पहली तो बात ये कि हड़ताल ख़त्म हो गई, तो अब वो आगे कार्रवाई कर सकते हैं। जब तक हड़ताल है तो बंदा कर ही क्या सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। दूसरी बात कि उनके एनडीपीएस के कुछ एक्ट भी उन पर कम किए गए हैं। अब बेल होगी नहीं होगी वो आज पता लग ही जाएगा। जैसे ही पता लगेगा मैं उसका रिएक्शन ले आऊँगी, मैं वो वीडियो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि यार ये मतलब एक अगर गलत करा तो वाकई में गलत। और उनके जो वकील है वो डैम श्योर होकर बोल रहे हैं कि FIR से रिलेट, मतलब अगर किसी पर आप वाइल्ड एक्ट करते हो, वाइल्ड एक्ट का कोई केस करते हो, तो वो आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, आपको किसी पुलिस वाइल्ड का जो वन विभाग है मतलब है ना, उसको वही कर सकता है, और या उसके टच में आके मतलब वही कर सकते हैं, पुलिस हो सब इंस्पेक्टर हो कम से कम तो वो कर सकता है, लेकिन आप कोई भी NGO जाके, कोई भी पर्टिकुलर बंदा जाके FIR नहीं कर सकते, और ना ही FIR के अकॉर्डिंग जो FIR में लिखा हो उसके बिहाफ पे आप गिरफ्तार भी नहीं कर सकते, अरेस्ट भी नहीं कर सकते। तो उन्होंने बहुत सारी बातें बोली हैं कि ये केस ही इलीगल है, तो एल्विश यादव जल्दी आ जाएंगे, होप कि वो जल्दी आ जाएं अगर वो बेगुनाह हैं तो। और उन लोगों उनको भी समझना चाहिए कि अगर उन्होंने गलती करी भी है ना, तो यार वो समझ जाएं कि आगे से ना करें, अपना स्ट्रिक्टली अपने काम पे फोकस करें, जितना उन्होंने स्ट्रगल करा है वो एकदम ख़त्म ना करें। तो मुझे ये बात बिल्कुल सही लगी, इनकी वीडियो बहुत अच्छी लगी। आप लोगों की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे करती हूँ ख़त्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टाटा बाय बाय।